नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये जेट प्लांट है। जेट प्लांट बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला पौधा है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको लकी प्लांट भी कहते हैं और ये इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया। दो कटिंग लगाई थी मैंने, एक ये वाली और एक ये वाली, और दोनों ही देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। दोनों की कितनी पत्तियां आ गई, ब्रांचेस निकली, नई नई इसमें भी निकली हुई है। तो जो कि इसको मैं आज लगाऊंगी पॉट में। किसी भी पौधे को लगाने के लिए सबसे मेन चीज है उसका सॉइल मिक्सचर, कि सॉइल मिक्सचर कैसा हो कि हमारा पौधा बहुत ही हेल्दी रहे, अच्छे से ग्रोथ करे और उसकी जड़ें अच्छी हों। जड़ें अच्छी होंगी तो पौधा भी अच्छा होगा। इसको मैंने बजरी में ग्रो किया था कटिंग को, तो ये बजरी, तो अब मैं इसमें और भी चीजें डालूंगी। सबसे पहले तो मैंने दो कटिंग लगाने के लिए दो पॉट लिए हैं, एक ये है और एक ये है। ये चीनी मिट्टी का है और ये प्लास्टिक का है। ये मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है कलर करके इसको। और ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी है, इसमें गोबर की खाद मिली हुई है। और ये थोड़ी सी बजरी है, बजरी है और ये बालू है और ये नीम खली। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि जेट प्लांट को ज्यादा कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि कोई स्पेशल खाद देनी है, कुछ भी करना है। इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए ये बालू और बजरी बहुत जरूरी है, कि मिट्टी चिपचिपी ना हो। चिपचिपी होगी तो जड़ें अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगी। और ये नीम खली है, नीम खली इसलिए कि पौधे की जड़ों में या पौधे में किसी तरह का फंगस न लगने पाए, तो ये नीम खली उसको फंगस से रोकेगी। अब इन सबको इसमें डाल करके ऐसे से मिला दूंगी। आज मेरे पास टब नहीं है मिलाने के लिए, मैं ज्यादातर टब में ही मिलाती हूँ। आज मुझे नीचे ही मिलाना पड़ेगा इन सबको। टब में मिलाना सबसे आसान रहता है, डाल करके अपना आराम से मिला लीजिए। इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे एक जैसा, ताकि कहीं भी कोई चीज कम या ज्यादा ना हो और हर चीज हर जगह अच्छे से मिल जाए। ये देखिए मैंने बालू, मिट्टी और नीम खली सबको एक जैसा मिला दिया है, एक जैसा कर दिया है ये। और इन सबका जो कि इसमें कोई पौधा लगा था तो सूख गया, तो इसमें इसका जो ड्रेनेज होल है वो कवर है, मतलब लगी हुई है कंकड़ उसमें, इसका भी ड्रेनेज होल किया हुआ है इसमें। किसी भी पौधे के लिए उसकी मिट्टी का अच्छा होना जरूरी है। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि उसका पानी उसमें रुके नहीं मिट्टी में, और जड़ों में ज्यादा देर तक रुके, क्योंकि अगर गमले में पानी रुका हुआ है तो जबकि पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं, फिर पौधा भी हमारा बहुत इफेक्ट हो जाता है उसमें, इफेक्टेड और खराब होने लगता है। अब देखिए इसे मैंने मिट्टी डाल दी है, इसके बाद इसको मैं धीरे से निकालूंगी इसकी सहायता से, फोक की सहायता से, क्योंकि इतना छोटा सा ये है ना पॉट जिसमें पौधा लगाया है, तो कहीं इसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे से इसको आराम से इसमें से निकालूंगी। देखिए मैंने दोनों ही कटिंग निकाल ली है, इतनी जड़ें आ गई हैं इसमें। इस वाली में पौधा तो अच्छा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन जड़ें इसकी कम है। और इस वाली में देखिए इसका अच्छी ग्रोथ है, और लेकिन जड़ों की भी अच्छी ग्रोथ है, जड़ें भी अच्छी खासी आ गई हैं इसमें। अब मैं इसको इस वाली में लगाऊंगी। देखिए मेरा जेट प्लांट लग के तैयार हो गया है, मैंने दोनों गमलों में दोनों जेट प्लांट को लगा दिया है। इस वाले को तो मैं बोनसाई शेप देना चाहूंगी, देखती हूँ किस तरह से तैयार होता है ये। और इसका तो कोई ऐसा शेप नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी मैं कोई अच्छा शेप देना चाहूंगी, किस तरह से ये इसकी ग्रोथ होती है, किस तरह से सेटिंग होती है, कटिंग होती है। और दोनों ही लग के तैयार हो गए हैं, अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी दे देना है, पानी थोड़ा सा देना है। और उसके बाद जो कि आप कभी भी पौधा लगाइए तो एक डेढ़ इंच थोड़ा सा पॉट खाली रखिए, ताकि पानी देने के लिए अच्छा रहता है, कि पानी आपका पूरा बाहर नहीं निकल आएगा, पानी उसमें एब्जॉर्ब होगा और थोड़ा सा गुड़ाई करने के लिए भी आसानी होती है इसमें। तो देखा आपने कि जेट प्लांट की सॉइल मिक्सर कितनी आसान होती है। और दोनों पॉट भी देखिए सेम लग रहे हैं, इसको मैंने जिससे जैसा ये है उस तरह से इसको बनाने की कोशिश की है मैंने, और लग भी रहा है उसको जैसा ही थोड़ा बहुत। ये दोनों का शेप भी सेम है, दोनों की जो डिजाइनिंग है ये भी दोनों का सेम ही है, सिर्फ कलर चेंज है। और आप भी अब अपने पास जेट प्लांट लगाइए, जेट प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, इजी ग्रो होता है। और थैंक यू।